डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा सीएमओ कार्यालय के बाहर दिया धरना। पटल परिवर्तन स्थानांतरण को लेकर दिया धरना। मांगे पूरी न होने पर हॉस्पिटल बंदी, कार्य बंदी और अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का लिया फैसला। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने आज आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कार्यालय के पटल सहायक विमल मिश्रा पर अवैध धन वसूली कर पटल परिवर्तन के स्थानांतरण कराए जाने के आरोप लगाए। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि इस मामले में उन्होंने पूर्व में आगरा सीएमओ से वार्ता की थी, जिसमें उन्हें बताया गया था कि समूह विभाग के कर्मचारी हैं जिसमें फार्मासिस्ट भी आते हैं, उनका पटल परिवर्तन उसी विकास खंड में किया जाए, उनका स्थानांतरण ना किया जाए। और सीएमओ साहब ने हमें पूर्ण आश्वस्त किया था कि आपका पटल परिवर्तन उसी विकास खंड में करेंगे और आपको दिखा भी दिया जाएगा, तभी आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्यालय पटल सहायक ने धन उघाई कर लोगों का कई किलोमीटर दूर स्थानांतरण कर दिया गया। साथ ही पदाधिकारियों ने कहा कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो अभी तो केवल धरने पर बैठे, आगे कार्यबंदी और अस्पताल बंदी जैसे कार्य कर आंदोलन करेंगे। इन सब के जिम्मेदार आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी होंगे। क्या कुछ पूरा मामला है पटल परिवर्तन को लेकर, किस तरह की धांधली का आप लोग आरोप लगा रहे हैं? मैं डॉक्टर आर एस राणा, जिला मंत्री, प्रांतीय संगठन मंत्री, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन। साथ सरकार की मंशा थी कि 3 साल पर पटल परिवर्तन किए जाए। नीति बनी समूह आगे कर्मचारियों की पूरे प्रदेश में, वो सभी जगह सीएमओ के यहाँ रिसीव कराई गई और सीएमओ साहब से हम लोगों ने 2 बार वार्ता की। उसमें उनको अनुरोध किया गया कि जो समूह आगे कर्मचारी जैसे हमारे फार्मासिस्ट उसमें आते हैं, उनका पटल परिवर्तन उसी विकास खंड में किया जाए जो शासन की मंशा थी। उसके अनुरूप उन्होंने मुझे हमें आश्वस्त कराया सीएमओ साहब ने कि हम उसी विकास खंड में करेंगे और आपको टेबल पर दिखा देंगे, आप संतुष्ट होंगे, उसके बाद ही जारी किया जाएगा। लेकिन पटल सहायक द्वारा उसमें धन उगाही करके सभी साथियों को इतर से बितर कर दिया, दूसरे विकास खंडों में 80-90 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया। जो विकलांग का उसमें था, विकलांगों के स्थानांतरण न करे जाएँ, यथावत रखा जाए। विकलांग के आश्रितों के नहीं किए जाएँ, उनको यथावत रखा जाए। चीफ फार्मासिस्ट समूह गा के कर्मचारी, समूह गाँव में नहीं आते, खाके कर्मचारी हैं, गाँव में नहीं आते हैं, उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया। ये यहाँ जो यहाँ कार्यालय में जो स्थिति पैदा की गई, दूर दराज फेंके गए, जो नीति का पालन नहीं किया, उसके विरोध में हमने लेटर दिया सीएमओ साहब को, इसको सुधार लिया जाए, यदि आपने करे तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमने उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, उनको आगाह किया है कि आप नीति के विरुद्ध जाएंगे तो समस्त जनपद का फार्मासिस्ट आगे चल के अस्पतालों को बंद करेंगे। केवल जनित को ध्यान में रखते हुए हमने आज ही आंदोलन किया है और सोमवार से 2 दिन का काला फीता बांध कर प्रदर्शन करेंगे। सोमवार, मंगलवार को, बुधवार, बृहस्पतिवार का 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे और 8 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उसकी जिम्मेदारी सीएमओ साहब की होगी। यदि जो संशोधन नहीं किए, साथियों के यथावत न रखे विकलांगों के, तो हम आगे चल के आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जनहित की जिम्मेदारी सीएमओ साहब की होगी। मैं मुकेश शर्मा, अध्यक्ष डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन जनपद शाखा आगरा हूँ। जैसा राणा जी ने बताया कि शासन की एक नीति आई थी उत्तर प्रदेश शासन की कि को एक जगह कार्य करते हो गए हैं तो उनका पटल परिवर्तन किया जाना था। यानी जैसे कोई किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर काम कर रहा है तो उसको वहाँ से हटा के उसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया जाना था और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाना था। एक दूसरा था कि जो कार्मिक विकलांग है या किसी का आश्रित विकलांग है, माता हो, पिता हो, बेटा हो, पत्नी हो, तो उनको इस सामान्य स्थानांतरण से मुक्त रखा जाना था। तीसरा था चीफ फार्मासिस्ट जो समूह गाँव में ना आके समूह खामे हैं, उनको सीएमओ स्तर से कोई स्थानांतरण नहीं किया जाना था, वो निदेशालय स्तर से स्थानांतरण होने थे। लेकिन तीनों ही शासन की नीतियों को धता बताकर सीएमओ कार्यालय के पटल सहायक श्री विमल मिश्रा द्वारा साथियों को गुमराह कर, फार्मासिस्टों को गुमराह कर, तेरा यहाँ कर दूंगा, तेरा वहाँ धनगावी गई और कम से कम एक एक आदमी से 25-30 हज़ार रुपये का लेन देन हुआ है और लगभग 15 लाख की वसूली हुई है। इसके प्रमाण भी दे दिए जाएंगे अगर सीएमओ साहब मांगेंगे तो। उसके बाद हमने सीएमओ साहब को 2 बार उनके आवास पर मौखिक रूप से अवगत कराया संघ ने। सीएमओ साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपके साथ बैठेंगे और जब लिस्ट बनेगी तो फाइनल आपके माध्यम से ही होगी, आपके सदस्यों की सहमति से होगी। हमें जब भनक लगी कि इसमें गड़बड़ हो रही है, आवास में सीएमओ साहब की हमें भाषा में कुछ फिर प्रस्तुत करना शुरू किया और एक पत्र लगाया, लेकिन उस पत्र को भी संज्ञान में नहीं लिया गया। जब पटल सहायक से बात की गई तो पटल सहायक ने भी बातें घुमा फिरा के जो शासनादेश के कुछ उपबंध थे उनकी अपने तरह से व्याख्या की।
जैसे कहीं लिखा था यथासंभव, तो यथासंभव का अर्थ उन्होंने ये लगाया कि जो उनके फायदे में था। जब हमने कहा कि आगे उसमें यह भी लिखा है कि किसी भी स्थिति में किसी भी कार्मिक का स्थानांतरण उसके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी विकास खंड से बाहर नहीं होगा, यदि किया जाता है तो उसका स्पष्ट कारण उल्लेख होगा, जैसे कोई प्रशासनिक कार्रवाई लंबित है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसी के विरोध में आज ये हमने धरना आयोजित किया है। हमारे सभी साथी जो पीड़ित हैं और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी अस्पताल, एस एन मेडिकल कॉलेज, जिला महिला चिकित्सालय, जिलापुर चिकित्सालय, मानसिक शिक्षा, सभी साथी आए हुए हैं। यदि आज हमारी बातों को अमल में नहीं लाया गया, हमारी मांगे नहीं मानी गई। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर,